आदाब सस्री अकाल, केम छो तमे? मजा मने? खुशियां हाथ तुम्हें मजेत ना? मैं शाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो है संवाद लेखन, है ना? बराबर बोला ना मैंने आप लोग को? संवाद लेखन। अभी संवाद लेखन मीन्स व्हाट? संवाद लेखन मीन्स कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत, ठीक है? अभी बातचीत जो है वो किसी में भी हो सकती है क्या? नहीं, वो एक बाप बेटे में हो सकती है, माँ बेटे में हो सकती है। कभी कभी तो ये लोग आपको देते हैं कि पत्थर और एक लड़के की बातचीत लिखो, तो भी तुम लोग सोचेंगे कि अरे पत्थर के साथ मैं कैसे बात कर सकता और पत्थर मुझे कैसे रिप्लाई देगा। तो ये जो होता है ना, ये होता है इमेजिनरी, ठीक है, कल्पना। पैरट के साथ बातचीत, वैसे तो पैरट कुछ बोलते हैं, हाँ तुम लोग कर सकते हैं बातचीत उन लोग के साथ में। कुत्ते के साथ बातचीत लिखो, कुत्ते की क्या दुख है क्या सुख है उसको, उसके बारे में कन्वर्सेशन। आपने एक कुत्ते के साथ बात की, एक पेड़ के साथ आपने बात की, ट्री के साथ, पेड़ के साथ आपने क्या बात की, पेड़ ने आपसे क्या कहा। तो इस तरह से इमेजिनरी कन्वर्सेशन विद किताब, किताब के साथ, बुक के साथ, पुस्तक के साथ आपका संवाद लेखन लिखिए। तो भाई किस तरह से पुस्तक ने अपनी दुख मुझे बताई, मैं एक बार पढ़ रहा था तो ऐसे किताब अचानक से मेरे साथ बात करने लगा, अरे अरे धीरे धीरे मैं फट जाऊंगा। फिर उसने बोला, अरे भाई तुम कैसे बात कर सकते हो, हाँ मैं बहुत पुराना किताब हूँ और मैं बात भी करता हूँ, और पहले के लोग मुझे बहुत चाव से पढ़ते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तब से मुझे कोई पढ़ता ही नहीं है। तभी तुम बोलोगे कि नहीं, मुझे तो भाई पढ़ना ही बहुत पसंद है, इसके लिए मैं हमेशा किताबें बुक में से ही पढ़ता हूँ, कंप्यूटर से नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से आँखों में तकलीफ होती है, किताब पढ़ने से आँखों में तकलीफ नहीं होती। इस तरह से आप लोग कुछ भी टॉपिक लेके चिड़िया के साथ कन्वर्सेशन, एक चिड़िया आपसे क्या बात कर सकती है। तो भाई अभी बताओ तुम लोग कि हम लोग किसका कन्वर्सेशन लेते हैं, और ये जो है ना मैं मराठी में लेने वाली हूँ आज, फिर हिंदी का हम लोग लेंगे अगली वीडियो में, ओके? तो भाई बताओ अभी हम लोग कैसे लिखेंगे सबसे पहले संवाद लेखन। तो दगड़ आणि मुलांचे संवाद लेखन लिखते हम लोग, दगड़ यानि पत्थर, स्टोन, दगड़ आणि मुलाचे यानि एक लड़के का, मुलांचे मीन्स बहुत सारे बच्चे, ओके, मुलांचे संवाद लेखन, संवाद लेखन। तो भी भाई एक पत्थर से क्या हम लोग बात कर सकते हैं? तो अभी है ना, इसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो एक जो बच्चा है वो पत्थर से जोर से टकराया, ओके? हम लोग इसे इमेजिन करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं दगड़। अभी सबसे पहले कौन बात करने वाला है? दगड़ बात करने वाला है। अरे अरे बाड़ा, अरे अरे बाड़ा, अभी वो बच्चे है ना, तो वो ऐसे प्यार से बोले, बाड़ा जरा संभालू खेल, जरा संभालू खेल। अभी लड़का हम लोग इमेजिन करते हैं, मुलगा, कौन बोलते वो इज टॉकिंग, वो इज आस्किंग, ओके, कौन बोलते दगड़। एक एक लाइन छोड़ेंगे तो बेटर होगा,
दगड, अरे बाळा, अरे बाळा, मी दगड बोलतोय. मी दगड बोलतोय. अभी वो बताया पत्थर ने कि मैं पत्थर बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे कोई बिलीव नहीं करेगा ना कि वे पत्थर भी बात कर सकता है. मुलगा, अरे तुला माणसांसारखं बोलता है तो. अभी वो पूछ रहा है, कह रहे तुम्हें भी इंसानों के जैसा बात करने आता है. दगड़, देखो मैं ये ऑन द स्पॉट लिख रही हूँ भाई, इसके लिए कोई प्लान नहीं किया है मैंने. ऐसे ऐसे इमेजिन करना है, आप लोगों को भी इमेजिन करके ही लिखना है और आपके मन से लिखना है भाई. आपको कोई इसमें टॉपिक नहीं दी गई है, कुछ नहीं दिया गया है, तो पत्थर के साथ तो आप कुछ भी बात करो. खाली लिखना है तुम लोगों को, तो लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है भाई, सिंपल सिंपल तो बातें हैं, कहाँ इसमें बहुत बड़ा चौड़ा के लिखा है मैंने, है क्या. जैसे एक दोस्त के साथ आप बात करते हो उसी तरह से पत्थर को भी जनरली पूछते हैं भाई, अरे तुम पत्थर हो, तुम इंसानों की जैसे कैसे बात कर सकते हो, है ना. तुम्हें दगड़ हो, आज अभी कुछ भी लिखो उसमें, देखो आज एक दिवस देवाने मला, गॉड ने मुझे परमिशन दिए, देवाने मला बोलायची परवानगी, परवानगी मीन्स परमिशन, ओके. परवानगी, जिसका जिसका मराठी कमजोर है ना बहुत, उन लोगों को तो मैं बेसिक तो सिखा ही रही हूँ, स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, जो जहाँ पर मैंने निबंध लेखन, पत्र लेखन वगैरह लिखा हुआ है, वहीं पर बेसिक मराठी का भी मैंने और हिंदी का भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है, तर बोलायची परवानगी दिली आहे हो, आज एक दिवस देवाने मला बोलायची परवानगी दिली आहे, आज के दिन भगवान ने मुझे बात करने का परमिशन दिया हुआ है. मुलगा या फिर मुले ऐसे भी लिख सकते, मुले यानी मोर देन वन, मुले यानी मोर देन वन बॉय, और मुलगा मीन्स ओनली वन बॉय, ओके. वी मुलगा, अरे वाह, आज आपण खूप गप्पा मारूया. ते बोला आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे गप्पा मारेंगे, गप्पे मारेंगे, ओके. दगड़, हो चालेल. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखने को नहीं जाने का, सिंपल सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करने का, तो आप लोग के क्या है लिखने में भी मिस्टेक्स नहीं होंगे और इसकी वजह से मार्क्स भी नहीं कटेंगे. अभी मुलगा, अभी कुछ वो सवाल पूछेगा पत्थर से, क्योंकि भाई इतना अच्छा चांस कहाँ मिलेगा ना. मुलगा, तू इथे किती वर्षापासून, अभी कितने साल से तुम यहाँ पर हो.
आहेस? तू इथे किती वर्षापासून वर्षांपासून आहेस? कितने साल से तुम यहां पर हो? दगड। माझं अस्तित्व अस्तित्व माझं अस्तित्व हजारो लाखो वर्षांपासूनच आहे। हजारो लिखो, हजारो वर्षांपासून आहे। माझ्यापासून क्या लिखेंगे अभी बोलो, और क्या बोल सकता है? हजारों साल से मैं हूँ, पत्थर अभी बोल रहा है, क्योंकि पत्थर तो है, वो तो कोई मेल्ट नहीं होता है, कुछ होता नहीं है उसको, जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहता है। तो उसने कहा कि मैं हजार साल, सौ साल बोलो, डेढ़ सौ साल बोलो, तुम लोग को जितना लिखना है लिखो, लाख साल पुराने भी पत्थर आप लोगों को मिलेंगे। जैसे जैसे बड़े बड़े पहाड़ है ना, तो भी ये कितने सालों से है ये पहाड़, तो है ना, हो गए ना, कितने पुराने पहाड़ है क्या नहीं? तो और क्या बताएगा आपको पत्थर? संपूर्ण जीव सृष्टि, जीव सृष्टि मीन्स व्हाट? लिविंग थिंग्स जो है ना, जीव सृष्टि या फिर सजीव भी लिख सकते हैं। संपूर्ण जीव सृष्टि सजीव, संपूर्ण जीव सृष्टि ला, जीव सृष्टि ला यहाँ पर ही लिखते हैं, जीव सृष्टि ला माझा उपयोग होतो। सर्वात जास्त मानवाला मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, माझा उपयोग होतो। तो भी ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ओके, फोर्ट जो बनाए गए हैं, फोर्ट भी पत्थर से ही बनाए गए हैं क्या नहीं? तो किले या फिर गढ़ किले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, गढ़ किले घर इमारती बनवण्यासाठी माझा उपयोग केला जातो। माझ्यापासून भांडी कुंडी, अपना वो जो मसाला बांटने का जो पाटा वरवंटा था, है ना, मम्मी को पूछो आप लोग, आप लोगों ने पता भी नहीं, मुझे देखा भी है क्या नहीं, वो पाटा वरवंटा किसे कहते हैं, तो उसमें पहले मसाला वगैरह पीसते थे, फिर बाद में मिक्सर आया, ठीक है, तो पत्थर से ही वो बनाए जाते थे। माझ्यापासून पाटा वरवंटा पाटा वरवंटा। अच्छा, और इसके अलावा भी तुम लोगों को कुछ और याद आता है ना तो मुझे बताना हाँ कमेंट करके। अभी मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं लिख रही हूँ, ओके। तो माझ्यापासून पाटा वरवंटा, और क्या बनाते थे बर्तन का सामान पत्थर से? एक तो पाटा वरवंटा रहता था, और
जातो था जातो, जातो मीन्स वॉट, जातो देखो वो जो इसे औरतें हैं ना पहले इसे गोल गोल से घुमा कर उससे आटा पीसती थी उसे जातो कहते हैं। अभी तो सब लोग घर घंटी आ गई हुई है, घर में ही पीसने का मशीन आ गया है या फिर चक्की में लेकर जाके पीसते हैं, लेकिन तभी औरतें जो थी वो घर में ही पीसती थी। ठीक है, माझ्या पासून पाटा वरवंटा जातो, सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्त्या, मूर्ति बनाते हैं ना, सुंदर मूर्त्या आणि अनेक वस्तु बनवण्यासाठी पहिलेच व्यक्ती आहे। माझं अस्तित्व हजारो वर्षांपासून आहे, संपूर्ण जीवसृष्टीला माझा उपयोग होतो, सर्वात जास्त मानवाला माझा उपयोग होतो, गड किल्ले घर इमारती बनवण्यासाठी माझा उपयोग केला जातो, माझ्यापासून पाटा वरवंटा जातो, सुंदर मूर्त्या आणि अनेक वस्तू बनवले जातात, बनवले जातात। और भी इसमें कुछ तुम लोग को ऐड करना है तो तुम लोग ऐड कर सकते है। मुलगा, आमच्या गावाचं मंदिर, गावाचं महादेवाचं लिखो, गणेशाचं लिखो, गणेशाचं मंदिर सुद्धा, मंदिर सुद्धा दगडांनी बनलेलं आहे। दगड हो माझे अनेक प्रकार आहेत, हो माझे अनेक प्रकार आहेत। मार्बल होता है ना व्हाइट, पांढरा दगड उसे संगमरमर कहते हैं ना, पांढरा दगड, काळा दगड पांढरा दगड, काळा दगड, खड़ी मीन्स वॉट, खड़ी यानी वो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं उसे खड़ी कहते हैं। ठीक है, छोटे रहते हैं और कुछ बड़े रहते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शंस के समय तुम लोगों ने देखा होगा रोड मजबूत होने के लिए वो पहले खड़ी डालते हैं नीचे, फिर उसके ऊपर वो लोग फिर डामर डालते हैं। ठीक है, अभी तो भाई सीमेंट के ही रोड बन रहे हैं, डामर के पहले हुआ करते थे, बहुत रेयर तुम लोगों को देखने मिलेगा टार के रोड्स। ओके, तो वो माझे अनेक प्रकार आहेत, पांढरा दगड, काळा दगड, खडी, मोठा दगड, मोठा दगड, मानव आपल्या हिशोबाने आपल्या हिशोबाने माझा उपयोग करतो। ठीक है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना वो उसका यूज करते है। ओके, मुलगा, हो मला शाळेत
शिकवलं आहे। उसने बोला हाँ मुझे स्कूल में पढ़ाया हुआ है पत्थर के बारे में। आप लोगों ने भी पढ़ा है ना पत्थर के बारे में, दगड़। तुझ्या बरोबर बोलून मला खूप आनंद झाला आहे। मुलगा मला पण, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मला पण खूप आनंद झालेला आहे। ठीक है, फिर इस तरह से आप लोगों को ये संवाद लेखन जो है अपने मर्जी से लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रीड करके देखते हैं भाई हम लोग का सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो संवाद लेखन यानी कन्वर्सेशन, दगड़ आणि मुलांचे संवाद, मुलाचे संवाद लेखन। दगड़, अरे अरे बाळा जरा सांभाळून खेळ। मुलगा, कोण बोलतंय? दगड़, अरे बाळा मी दगड़ बोलतोय। मुलगा, अरे तुला माणसांसारखं बोलता येतो? दगड़, हो आज एक दिवस देवाने मला बोलायची परवानगी दिली आहे। ठीक आहे। मुलगा, अरे वा आज आपण खूप गप्पा मारूया। दगड, हो चालेल। मुलगा, तू इथे किती वर्षांपासून आहेस? दगड, माझं अस्तित्व हजारो वर्षांपासून आहे। संपूर्ण जीवसृष्टीला माझा उपयोग होतो, सर्वात जास्त मानवाला माझा उपयोग होतो। गड, किल्ले, घर, इमारती बनवण्यासाठी माझा उपयोग केला जातो। माझ्यापासून पाटावरवंटा जातं, सुंदर मूर्त्या आणि अनेक वस्तू बनवले जातात। मुलगा, आमच्या गावाचं गणेशाचं मंदिर सुद्धा दगडांनी बनलेलं आहे। दगड, हो माझे अनेक प्रकार आहेत, पांढरा दगड, काळा दगड, खडी, मोठा दगड, मानव आपल्या हिशोबाने माझा उपयोग करतो। मुलगा, हो मला शाळेत शिकवलं आहे। दगड, तुझ्याबरोबर बोलून मला खूप आनंद झाला आहे। मुलगा, मला पण खूप आनंद झालेला आहे। ठीक आहे, तो इस तरह से एंड किया हम लोगों ने। ओके, तो आप लोग अभी इस तरह से पेन के साथ भी लिख सकते हैं, टेबल के साथ लिखो, ब्लैक बोर्ड के साथ कन्वर्सेशन लिखो, चॉक के साथ कन्वर्सेशन लिखो, डस्टर के साथ कन्वर्सेशन लिख सकते हैं। तो अभी तुम लोग ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोगों को अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कहा गया तो आप लोग लिख सकते हैं, या फिर कोई डाउट है आप लोगों को उसके बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो हम लोग उसे भी लिख देते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये हम लोग करेंगे लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, तो आपको मिलेगा मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन। ओके, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।